Welcome to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarik Khan Javed. Now it's time for Tips of the Day. नाज़रीन मंडे को मार्केट ने 1000 पॉइंट का इजाफा देखा. ट्यूसडे को हमने 2000 पॉइंट की नेगेटिविटी देखी. कल 328 की नेगेटिविटी देखी और आज मार्केट खुलते ही पॉजिटिविटी की तरफ चली गई. जो हाइप क्रिएट हुआ था मंडे की शाम को पनामा के जीआईटी रिपोर्ट के बारे में, वो आस्ते आस्ते आपने देखा कि उसका असर ट्यूसडे को बहुत ज़बरदस्त आया नेगेटिव, लेकिन नेक्स्ट डे आपने देखा कि उसका वो ज़ोर कम हुआ. आज जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो इतने बड़े बड़े डब्बों में चीज़ें गईं उसका कोई ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर से नहीं है. एक्चुअली वो या तो उनके बेटों के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं या उनके अब्बा के बारे में हैं, और वो भी 30-30 साल 40-40 साल पुरानी कहानियाँ हैं. प्राइम मिनिस्टर तो बैंकक्रप्ट आदमी है, उसके तो अभी एक एम्प्लॉयमेंट लेटर निकल आया कि बेटे के यहाँ जॉब कर रहे हैं. वो चेयरमैन होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता. ही डजंट ओन दो शेयर्स, ही इज़ जस्ट एम्प्लॉई. जैसे हमने भी अपने एक कज़िन को बना दिया था चेयरमैन ऑफ डेनवर जब टेक ओवर किया था, उनकी एज वगैरह को इज़्ज़त को देखते हुए. तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती. इनफैक्ट दीज ब्रदर्स आर बैंकक्रप्ट, शहबाज ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने गारंटी साइन की. इनका कर्जा जो है मुल्क के अंदर 10 बिलियन का है और इनकी एसेट्स जो हैं वो 6 बिलियन से थोड़े ज़्यादा होंगे, तो इसलिए दे आर माइनस पीपल. तो अगर वो जॉब अप करते हैं कहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है. आइए क्लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. बहुत सलाम जनाब. बहुत ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जनाब. तारिक भाई, रोशन पैकेजेस के बारे में पूछना था. जी, रोशन पैकेजेस को हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं. काफ़ी नीचे आया हुआ है, आप ले लें इसको. इसकी प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 5% ऑफ पाकिस्तानी मार्केट पे इसने कैप्चर किया हुआ है, और कॉरोगेटेड प्लांट जो इसको चाइना के साथ मिलकर लगाना था वो भी लग गया है. तो इसकी उम्मीद की जा करता है, वो एम उसका है कि 10% ऑफ द मार्केट कैप्चर करेगा. और इसकी जो प्रीवियस अर्निंग थी 3.4 की, वो प्रोजेक्टेड है 8.6 तक जाने की. तो इस लिहाज से 86 का शेयर बन जाएगा ये. आई क्लाइव कॉल से बात करें. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा शाहिद, बात कर रहा हूँ. वेलकम शो सर. जनाब, ये जे आई टी जो इनकम्प्लीट है, तो जैसे शोर मचा रहे हैं ये अपोजिशन वाले, ये नहीं पता कि मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. स्टॉक मार्केट को कर रहे हैं, कभी डॉलर को नीचे ऊपर कर रहे हैं, और मुल्क में एक्सपोर्ट जो है ना, कल आपके टीवी चैनल से आया था कि एक्सपोर्ट हमारी बहुत गिर गई है और आइंदा भी गिर जाएगी, और जो पार्टी जो एक्सपोर्ट की जो दूसरी मुल्कों में चले गई उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम में हमारा मुल्क आ जाएगा. ये तो गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए. तो इन्होंने जेआईटी इनकम भी जेआईटी तक चलेगी, 6 महीने तक ये चलेगा. ये तो अपने ड्रामे कर रहे हैं अपोजिशन वाले, बस इनको कल एक्सपोर्ट हमारी गिर रही है, इम्पोर्ट हमारी बढ़ रही है. उसकी एक बहुत बड़ी वजह है करेंसी को रोक के रखना, जो इस गवर्नमेंट ने किया और बहुत बड़ी गलती की. वो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं जो मुशरफ ने किया था, जब करेंसी को 62 पे रोका गया और फिर वो गिरा तो 98 पे आ गया. और इसी तरह इन्होंने 104 को एक गैरत और इज़्ज़त का मामला बना लिया, विच वॉज़ अ बिग मिस्टेक. दिस हज़ हर्ट आवर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वेरी वेरी बैडली. जॉब्स जा रही हैं, जॉब शिफ्ट हो रही हैं दूसरी जगह, क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे. एक तो एनर्जी कॉस्ट यहाँ ज़्यादा, प्लस करेंसी भी ओवर वैल्यूड, दोनों मिलके हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह कर रही है. ये बिल्कुल सही बात है. आई क्लाइव कॉल से बात करें. हेलो हेलो हेलो, प्लीज़ कॉल करने से पहले अपने टीवी को आप आवाज़ को बंद कर दिया करें, म्यूट किया करें, अदरवाइज़ डबल डबल आवाज़ आती है, इसलिए हमने ये कॉल कट कर दी थी. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये बिजनेस न्यूज़ है? जी जी, मैं तारिक खान बोल रहा हूँ बिजनेस पर्स से. अच्छा सर, काइंडली मुझे सर जी मुझे सरफराज अहमद का नंबर चाहिए. हुई सरफराज अहमद? हेलो, आई डोंट नो एनी सरफराज अहमद. नाज़रीन, आज का फिर आप देखें कि स्टार्ट होते ही पहले तो -15 पे भी गई दो तीन मिनट के लिए, उसके बाद से जो उठना शुरू हुआ तो 329 प्लस 44,121 का लेवल, उसके बाद 187 प्लस और फिर 180 प्लस पे जो आखिरी मुझे फिगर दी गई,
तो जो नेगेटिविटी थी वो आप देखें कि एक दिन बहुत शदीद रही, यानी ट्यूसडे को, वेनसडे को कम हो गई और आज थर्सडे को पॉजिटिविटी की तरफ चली गई। इससे साबित होता है कि मार्केट ने जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी इस सिलसिले में उसको पहले ही से ऑब्जॉर्व किया हुआ था, और ये जो नई फाइंडिंग्स आई हैं कोई सरप्राइजिंग इसमें चीज़ नहीं है। डजंट हमारा जो मेन कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है कि नहीं, डेमोक्रेसी कंटिन्यू करती है कि नहीं, और ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करता है या नहीं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। विद इन द पार्टी ये कह सकते हैं नवाज साहब कि मैं थक गया हूँ, मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, लेट समबडी एल्स टेक ओवर दिस सीट, नॉट ए बिग डील। हुकूमत की पॉलिसीज़ बारे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, नून लीग की हुकूमत चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलता रहेगा, दैट व्हाट्स मैटर। अगर इसमें कोई डिसरप्शन आया तो इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त मामला हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। बार बार डेमोक्रेसी को डिरेल करना इज़ नॉट ए जोक। टर्की में आपने देखा लोग उठ खड़े हुए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और आर्मी से लड़ गए, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की नॉन ये पॉलिटिकल तरीके से अगर आप हटा सकते हो प्राइम मिनिस्टर को, हटा लो, पार्लियामेंट में ले आओ मेजोरिटी, MQM और PTI और पीपल्स पार्टी ला सकते हो तो ले आओ, नहीं ला सकते तो खामोश बैठो। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं तारिक साहब? खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप लोग की दुआ है। सर जी, ये ASL और इसके बारे में पावर सीमेंट के बारे में पूछना था। ASL से बना आपकी आयशा स्टील जी, ये दोनों ले लीजिए भर के, ये दोनों बहुत अच्छे हैं और ये बिला वजह गिरे हुए हैं। पावर 9 लाख से 34 लाख के एक्सपेंशन पे जा रहा है, LC खुल चुका है, 25 बिलियन का अरेंजमेंट हो चुका है, देर इज़ नो वे इट द एक्सपेंशन कैन स्टॉप, एंड व्हेन देर इज़ सच ए बिग एक्सपेंशन ऑफ कोर्स द प्रॉफिट विल गो अप। इसको 60 रुपये पर जाते हुए देखता हूँ। आई क्लब कॉल से बात करें। हेलो, सलाम अलैकुम। वाले सलाम जनाब, तारिक साहब से बात करें? जी मैं तारिक ही बोल रहा हूँ, ये बिजनेस प्लस से बोल रहे हैं। जी जी, मैं बिजनेस प्लस पे तारिक खान बोल रहा हूँ। जी जी, मैं शेख रशीद बोल रहा हूँ। शेख साहब वेलकम। कराची का था शेख रशीद, पर जी जी कराची का। वो अर्जी ये थी कि कुछ दिनों से कई बेचारे छोटे इन्वेस्टर फोन करते थे तारिक साहब को, चूंकि इतने सैकड़ों शेयर है तो बेचारे बता नहीं पा रहे थे, जाहिर किस किस को याद कर। एक गोल्डन एरो के लिए अक्सर कई लोग फोन करते हैं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छा शेयर है, मेरे पास 20-25 साल से अच्छा पोर्टफोलियो में है, तो मैं चाह रहा था छोटे इन्वेस्टर जो उनके लिए बेहतरीन, ये किचन समझ लीजिए किचन एक्सपेंसेस के लिए बेहतरीन शेयर है। अच्छा जी, गोल्डन एरो 10-11 रुपये का है, इसलिए इसको मैं पसंद नहीं करता, इसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। बहरहाल आप कह रहे हैं तो सही है। बहुत और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं दे ऑल डूइंग वेरी वेल। मिज़ान, एक साहब ने मेरे कहने पे 2.5 लाख रुपये लगाए थे, वो बढ़ के 27 लाख का हो गया, अब वो गिर के 25 लाख का हो गया, तो आज वो रो रहे थे कि यार वो 2 लाख की नुकसान हो गया, फिर हंसने लगे कि यार 2.5 लाख तो लगाया था, अब हम क्या झूठा रोना तो रोते। बात यही है, जिसने भी मेरे कहने पे 2005 में 9 में 1 लाख लगाया था, आज इंडीड वो 10 लाख हो चुका है, कभी कभी वो 9.5 लाख हो जाता है, तो उस पर रोना पिटना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं लोग, हालांकि भूल जाते हैं कि लगाया कितना था। और फिर मैं गारंटी देता हूँ कि जिसका अभी 10 लाख से 9.5 लाख हो गया है वो बिल्कुल परवाह ना करे, ना प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएगा, ना हुकूमत कहीं जाएगी, ना मार्केट कहीं जाएगी, ना मुल्क कहीं जाएगा, ये 50,000 की मार्केट होगी। एक चीज़ का इंतज़ार मुझे अब है, वो ये है कि करेंसी एडजस्ट कर दी जाए ताकि 300-400 मिलियन की जो वेटिंग फंड है इमर्जिंग मार्केट की वो आ जाए और मार्केट को बड़ी आसानी से 50 के ऊपर कर दे। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। हेलो हेलो, कोई कॉलर नहीं है। नाज़रीन, ये जो इस तरह के प्रोपेगेंडाज होते हैं उससे आपको बचना चाहिए, और मैंने तो वैसे आमतौर से मैं नहीं देखता इवनिंग शोज़, लेकिन पिछले 2 दिन मुझे देखना पड़ा, बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि बिल्कुल इरेलेवेंट बातें हो रही हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड डॉक्टर और बड़े बड़े सर वाले दानिश्वर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं 1960s की, 70s की, 71 में नेशनलाइजेशन हुआ तो वो आदमी भाग के चला गया दुबई, उसने गल्फ मिल खोल दिया, फिर वो लोहा जो था वो कैसे गया, कश्ती से गया कि ट्रक से गया, अरे भाई कहाँ की बातें कर रहे हो यार,
इसका इस प्राइम मिनिस्टर से क्या ताल्लुक है, उसके बाप ने क्या क्या किया नहीं किया, दादा ने क्या किया नहीं किया, बेटा क्या कर रहा है, बेटा से उसका कोई ताल्लुक नहीं, बेटा बेटा है। हाँ, साबित करो कि 92 में ये प्राइम मिनिस्टर बना, इस प्रोजेक्ट पे इसने ये पैसे कमाए और भेजा, तब बात होती है, उल्टा आ रहे हो उसके पीछे। हाई क्लाइव कौन से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर दिस इज कैप्टन उमेर मियां फ्रॉम लाहौर। कैसे साहब, वेलकम शो साहब। ठीक ठाक आप सुनाए? मैं तो बिल्कुल आपकी बातों से इत्तेफाक करूंगा। थैंक यू सर। ये जो रिपोर्ट है बिल्कुल जेआईटी की, इट इज अ डिसेप्टिव रिपोर्ट टू ट्विस्ट द हैंड्स ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली। ये अल्हम्दुलिल्लाह की 40 साल पुरानी कहानी है। हम इस 40 साल की कहानियों को लेकर अब आज उसको आज आप देखिए कि उन्होंने डिलीवर क्या किया है, आज उन्होंने इस मुल्क को कहां से कहां ले गए हैं जी। तो 30 साल पहले तो मैं इस चीज को साबित कर देता हूं, मैं पायलट था जो सर अभी की बात करें, अभी ये कहते हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, तो बताएं ना कि किस प्रोजेक्ट में कितना खाया और कैसे लेके गए, साबित करें। ये 30-30 साल बाद उनके अब्बा की कहानियां लेके बैठे हुए, हुदैबिया पेपर मिल और फलाना, और ये फाउंड पे लड़ाई हो रही कि कैलिबर तो था ही नहीं। अरे भाई ये क्या बकवास है, वो कह रहे हैं कि वो भाइयों की जायदाद है, मैं इनको ट्रस्टी बनाया कि चलो ये बच्चों में फूफी जो है बराबरी से पैसा बांट देगी, और क्या है। तो इस पर इतनी बड़ी बड़ी बातें और जहालत देखें कि सो कॉल बड़े बड़े लीडर्स ये छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा उछल रहे हैं कि जैसे कोई बच्चे को बहुत बड़ा कोई खिलौना मिल गया, चीख रहे हैं आके, ना आगे का पता ना पीछे का पता, इररेलेवेंट सी चीज़ उठा के ले आए जी। प्राइम मिनिस्टर का लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर आ गया, बेटे ने दे दिया एम्प्लॉयमेंट लेटर या कामा बनाने के लिए, तो क्या हो गया भाई, वो क्या मालिक हो गया उसके, मालिक बेटा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। वेलकम शो सर। मैडम हेलो जी जी बोले। ये जो पेस इसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, पेस इसका कोई फ्यूचर है? पेस मैंने शेयर लिया हुआ केस जी जी। ये एक डेवलपमेंट कंपनी है, सलमान तासीर साहब ने स्टार्ट की थी, उसका मैं इनिशियल ओनर हूँ, क्योंकि हमें ऑफ़र हुआ था गल्फ़ में प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है, और उसने शुरू में अच्छा किया, बाद में अच्छा नहीं किया। अभी वो कहते हैं कि उन्होंने बैंक से डेट वेट्स क्लियर कर लिए, और 4-5 प्रोजेक्ट का जिक्र आता है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, तो कंपनी शुड डू वेल, लेकिन एट द मोमेंट एवरीथिंग इज़ डाउन, तो ये भी डाउन चल रहा है। ये जैसी हालात ये क्लियरिटी आएगी उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए मेरी नज़र में। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़।